बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू दोस्तों। तो अभी मैं सुबह सुबह मौजूद अपने खेतों में, और आज आप लोगों को मैं एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप लोग खुश भी हो जाएंगे, और ऐसी चीज़ आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ जो बहुत यूनिक है और बहुत कम देखने को मिलती है। तो नाजरीन अभी दिखाता हूँ, ये देखिए नाजरीन, ये जो घोंसले लगे हुए हैं ना, ये आप लोग देख रहे हैं हल्के फुल्के, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ, इनको बैले भी कहा जाता है। और इनके जो घोंसले होते हैं वो बड़े यूनिक होते हैं, बड़े हैं, लेकिन ये जो परिंदे हैं ये बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का घोंसला बनाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये घोंसला किस तरह का बनाया हुआ है, और इसके अंदर दो मोरे होते हैं और एक इधर बनाया हुआ है उस परिंदे ने जिसने ये घोंसला बनाया होता है। तो ये इसलिए बनाए होते हैं दो मोरे, एक मोरा फेक होता है और एक उसका सही होता है जिसमें उसके बच्चे वगैरह होते हैं, और कुछ चीज़ इस तरह की उसको खाने वाले उनके बच्चों को ऊपर चली जाती है, सांप वगैरह या और कुछ ऐसी चीज़, तो वो मतलब चकमा देने वाली बात होती है। तो दो मोरे इसलिए रखता है, एक फेक होता है और एक भाई सही होता है जिसमें उसके बच्चे होते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बनाए हुए हैं, ये देखिए वो सामने बनाया हुआ है और एक ये नीचे बनाया, ये तो अभी बना रहा है जो बैला, तभी अपना घर तैयार कर। ये कुदरत का नज़ारा आप लोग खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये देखिए दो इसके अंदर मोरे और एक ये बनाया हुआ है, और एक साइड बना ली और एक अभी ये नीचे लेकर आएंगे। अभी इन्होंने नीचे तक इसको बढ़ाना है, अभी तो इन्होंने आधा तैयार किया है, आहिस्ता आहिस्ता इसको मुकम्मल तैयार करेंगे ये। तो बारिशों से भी ये बचते हैं, और ये इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की मट्टी लगाते हैं, वो रात को बलती भी है। अल्लाह ताला ने इस परिंदे को देखे कितनी ज़्यादा अकल दी हुई है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, और इधर भी देख सकते हैं, ये भी घोंसले इन्होंने तीन चार बनाए हुए हैं, ये देखिए, और इधर भी देखिए तैयार कर रहे हैं, ये नीचे नीचे तीन चार घोंसले इधर बनाए हुए हैं, एक ऊपर ये बनाए हुए हैं। अभी दोस्तों शाम हो रही है, और हमारे गांव के आप लोग शाम देख सकते हैं, सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा है, और बादल इधर देखें बिल्कुल आसमान की तरफ किस तरह से प्यारे लग रहे हैं, और शाम का जो टाइम है इवनिंग टाइम बहुत ही प्यारा है हमारे गांव का, आप लोग देख सकते हैं। इधर एक बहुत बड़ा दराखत है साथ में घरों के बैक साइड पर, जो सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा है। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, दीजिए दीजिए इजाज़त अल्लाह।